नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं करियर बाबा जी। और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि मैंने किस तरह से एसएससी जीडी का जो टीयर वन का एग्ज़ाम था वो मैंने किस तरह से, जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है वो मैंने किस तरह से क्वालिफाई किया है, और वो अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज या जिस जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस सभी तरह को के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों की बात करूंगा। तो वीडियो में आखिर तक आप बने रहिए। देखिए, पहली मैं बात करता हूं कि आपको मैथ्स या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। मेनली इसमें अगर आप अर्थमेटिक के कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे बहुत ही अच्छे से, क्योंकि नंबर ऑफ सीट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आपको सिर्फ थोड़े से ही मार्क्स चाहिए होते हैं अगर आप ये एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, जो उसके फॉर्मूले होते हैं वो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो क्लियर कर लीजिए। इसके आप यूट्यूब से भी इसको देख के क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस कीजिए। आपने एक मान लीजिए कि आपने टाइम एंड वर्क का कोई कंसेप्ट पढ़ा कि ये कंसेप्ट होता है कोई, और उस कंसेप्ट को से रिलेटेड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी मैथ्स जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ये मैथ्स के लिए नहीं, ये रीजनिंग के लिए भी अप्लाई होता है। यानी कि सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट नहीं होते हैं, बहुत ही कम टॉपिक है जिसमें आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कैलेंडर का एक कॉन्सेप्ट हो गया, वो टाइम का एक कॉन्सेप्ट हो गया, वो तो इन सब चीज़ों में आपको जरूरत पड़ती है। बाकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग में अगर आप रीजनिंग को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है, अगर आप लूसेंट करते हैं और डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर का टाइम नहीं निकाल सकते तो आप प्रतियोगिता दर्पण या ऐसी सक्सेस मिरर, ऐसी बहुत सारी मैगजीन्स आती है वो आप ले सकते हैं। आप ऑनलाइन मैगजीन भी ले सकते हैं, और आपको फ्री सोर्सेज से कोई मैगजीन मिलती है मंथली तो आप वो भी ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हो। और एक प्रतियोगिता दर्पण जो मैंने आपको बताई वो काफ़ी अच्छी मैगजीन है, तो वो भी आप ले सकते हैं। लूसेंट आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेगी क्योंकि लूसेंट से ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ये एक वीक पॉइंट होता है कि उनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती या फिर अंग्रेज़ी में वो थोड़े वीक होते हैं। ये स्थिति मेरे साथ नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें एक हिंदी का ऑप्शन है तो मैंने हिंदी प्रेफर किया था, और आप भी हिंदी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपको अंग्रेज़ी में थोड़ी थोड़ी भी अगर आपको परेशानी होती है, क्योंकि मेरे हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हिंदी में स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि आप बोल हिंदी रहे हैं, आप सुन हिंदी रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो भी मैं हिंदी में ही बना रहा हूँ, तो आपके लिए हिंदी आसान होगी। अगर आप एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन अंग्रेज़ी में करते हैं तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप हिंदी में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अब मैं बोलूँ कि नाम मेरा राजेश है तो आप क्या बोलेंगे, भाई ऐसे मत बोलो, आप बोलो मेरा नाम राजेश है, आप तुरंत बता देंगे। लेकिन अंग्रेज़ी में अगर यही चीज़ कुछ और तरीके से बहुत बड़े बड़े सेंटेंसों में कुछ लिखा हुआ आएगा तो आप एरर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हिंदी में एरर डिटेक्ट करना और भी चीज़ें करना बहुत आसान है। सिर्फ आपको जितना आप टाइम अंग्रेज़ी में देते हैं उससे थोड़ा सा ही टाइम अगर आप हिंदी में दे देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि किस तरह से जीडी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, इससे रिलेटेड कोई भी आपके सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।